दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर हुए लूटकांड को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि लूटी गई रकम 2 लाख नहीं बल्कि 50 लाख रुपए या इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लूट की पूरी मिस्ट्री खोलेंगे, लेकिन पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ अंकिता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े हुई लूट के मामले में पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सबसे बड़ी आशंका तो यही है कि लूटी गई रकम जो अब तक 2 लाख रुपए बताई जा रही थी वो करीब 50 लाख रुपए या ज्यादा हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार 7 आरोपियों के पास से अब तक 5 लाख रुपए बरामद किए हैं, जबकि पुलिस को लिखित शिकायत में लूट की रकम 2 लाख रुपए बताई गई थी। इतना ही नहीं, इस लूट कांड का मास्टरमाइंड उस ओमिया एंटरप्राइजेस कंपनी में काम कर चुका है जिसके डिलीवरी एजेंट से लूट हुई है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है। दिल्ली के प्रगति मैदान टनल के पास हुई लूट के मामले में पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 लाख रुपए बरामद किए। ऐसे में अब पुलिस को संदेह है कि शिकायत में लूट की रकम 2 लाख रुपए बताई गई थी, लेकिन ये रकम करीब 50 लाख या इससे ज्यादा हो सकती है। जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अमाउंट रिकवर होने पर ही सही रकम का पता चल पाएगा। इसके साथ ही शिकायतकर्ता से पूछताछ के बाद ये साफ होगा कि लूट की रकम आखिरकार कितनी थी। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि आरोपी उस्मान ने कई बैंकों से कर्ज लिया हुआ था और वो क्रिकेट में सट्टेबाजी भी करता था जिसमें वो काफी पैसे हार गया था। इसी कर्ज को चुकाने के लिए उसने इस लूट की साजिश को अंजाम दिया। आपको बता दें कि उस्मान और प्रदीप को ही इस घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में अब तक उस्मान उर्फ कल्लू, प्रदीप उर्फ सोनू के अलावा सुमित उर्फ आकाश, इरफान, कुलदीप उर्फ लंगड़, अनुज उर्फ सैंकी और अमित उर्फ बाला को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने लूट कांड को अंजाम देने से पहले गुरुवार और शुक्रवार को रेकी की थी। उस्मान को चांदनी चौक इलाके में नकदी की आवाजाही के बारे में पहले से ही जानकारी थी। आरोपी वहां कई सालों तक एक ई कॉमर्स कंपनी में कुरियर बॉय के तौर पर काम भी कर चुका था। आपको बता दें कि घटना 24 जून को सुबह घटी, जब चांदनी चौक के ओमिया एंटरप्राइजेस का डिलीवरी एजेंट उसका सहयोगी टैक्सी से गुरुग्राम जा रहे थे। तभी प्रगति मैदान टनल के पास बाइक से आए बदमाशों ने बंदूक की नोक पर कार रोकी और फिर पैसे लूट लिए। फिलहाल जांच जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा। बहरहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या कुछ राय है जरूर हमें कॉमेंट करके बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।